मिनट। डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन की जो 19th कंपटीशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, यहाँ पर माननीय श्री राजेंद्र विज ने और उनकी पूरी टीम ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट ओलंपिक स्टाइल का स्विमिंग पूल, पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल मुझे देखने को मिला है। और यहाँ जितनी फैसिलिटीज़ हैं और जिस हिसाब से इसे श्री राजेंद्र विज ने माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज उनकी प्रेरणा से और उनके कृपा से जिस तरह ये डेवलप हुआ है, उसे देखकर ये लग रहा है कि बच्चों का जो टैलेंट है यहाँ पर निखर पाएगा और यहाँ से बच्चे जो है स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और ओलंपिक लेवल पर भी जा पाएंगे। और भविष्य में जब भी कभी हमारे देश में ओलंपिक या इस तरह की कभी भी कोई खेलों का आयोजन किया जाता है तो यह जो है इसके लिए बहुत ही अमूल्य भेंट है। माननीय गृह मंत्री और श्री राजेंद्र विज ने यहाँ अंबाला की जनता को दिया है। यहाँ पर बच्चे जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर पाएंगे और पूरे विश्व में हमारा नाम भी रोशन कर पाएंगे। जिन लोग, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि आजकल नशे की तरफ बच्चे यंगस्टर्स काफ़ी जा रहे हैं, उस ऐसी हालत में जो इस तरह का प्रयास है, काफ़ी बच्चे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्विमिंग के लिए आ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूँगा कि बच्चे घर में जो है मोबाइल, टीवी और लैपटॉप्स, इन पर जो है ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, इसकी जगह जो है बच्चों को प्रेरणा दें। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का स्विमिंग पूल है, यहाँ की सारी टीम जो है बहुत ही प्रोफेशनल है, यहाँ पर सुरक्षा का भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम है जिसे मैंने खुद देखा है। यहाँ पर अपने बच्चों को भेजे जो यहाँ वर्कआउट करेंगे, आगे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे माननीय श्री राजेंद्र विज ने बताया, हरियाणा सरकार स्पोर्ट्समैन को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है, उनके पुरस्कार की राशि भी काफ़ी है, नौकरियों में भी उनके लिए काफ़ी प्रावधान है। तो मैं पेरेंट्स से अनुरोध करूँगा कि अगर बच्चों में जो है ना ये रुचि जगाएं और यहाँ पर जो है ज़रूर भेजें उनको। मेरी मदर क्षमा जी, क्षमा लांबा, यहाँ पे स्विमिंग के लिए पिछले 20-25 सालों से एसोसिएटेड है। बीच में गैप दे दिया था, पर उससे पहले वो जब कॉलेज पास आउट किया था तब से ही वो स्विमिंग में रही हैं, स्टेट, नेशनल सब खेली हैं। और अभी भी उन्होंने अपनी एज कैटेगरी में 55-60 की एज कैटेगरी में नेशनल में 2 सिल्वर मेडल्स लिए हैं। तो उनकी ही जो ये इंस्पिरेशन है वो हमें भी उतना प्रेरित करती है। और आगे मेरे बच्चे भी और मेरे ब्रदर की भी बेटी है, 3 बेटियाँ हैं हमारे पास, वो भी आती हैं। एक तो 3.5 साल की है, शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पूल नाउ। मैं भी अपने टाइम में शुरुआत की थी, बट समहाउ ड्यू टू जॉब नहीं कर पाई, पर अब मैंने भी वापसी की है इसमें और अब दोबारा से एक नई शुरुआत के साथ आई ऑल्सो विश कि मैं भी मम्मा की तरह, तो देखो पहुँच पाएंगे कि नहीं, बट इस क्षेत्र में कुछ आगे बढ़े। पर बच्चों को हमने ऑलरेडी लगा दिया है और बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ पे आके देख के कि किस तरह से लोग इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। और अंबाला में जो अब स्टार्ट हुआ है ऑल वेदर, तो अब कोई किसी तरह की बीच में वो रुकावट नहीं आती, पूरा टाइम ही बच्चे बहुत अच्छे से ही इसमें लगे रहते हैं।